भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी की कल कोर्ट में पेशी हुई। यूपी नंबर की एम्बुलेंस में सवार अंसारी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। चलने में असमर्थ अंसारी को व्हीलचेयर पर कोर्ट में तीसरे माले पर ले जाया गया, जहां अंसारी ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने उसे वापस जेल भेज दिया। वहीं मीडिया के सामने अंसारी ने कहा कि जिस मामले में उसकी पेशी है उसमें मैं निर्दोष हूं। वह मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। दरअसल बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने 10 मार्च को आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकियां देने और सबूतों को मिटाने के तहत केस आरोप पत्र दाखिल किया था। सूत्रों के मुताबिक अंसारी को इस दौरान भी कोर्ट में पेश नहीं किया जाना था, लेकिन आरोप पत्र की कॉपी हमेशा प्रत्यक्ष रूप से आरोपी को सौंपी जाती है, जिसके चलते उसे कोर्ट लाया गया। मटौर थाने की पुलिस ने सेक्टर 17 के एक नामी बिल्डर की शिकायत पर 2019 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि अंसारी ने फोन कर बिल्डर से रंगदारी मांगी थी। इसके बाद मोहाली पुलिस आरोपी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से लेकर आई थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अंसारी को रोपड़ जेल भेज दिया गया था। 24 जनवरी 2019 के बाद से अंसारी रोपड़ जेल में बंद है। इसके बाद वो सीधा अस्पतालों में इलाज के लिए तो बाहर निकला, लेकिन अदालत में कभी पेश नहीं हुआ। वहीं इस मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान वो सिर्फ 15 मिनट ही कोर्ट में रुका। कोर्ट में आरोप पत्र मुख्तार अंसारी को सौंपा गया, जिसके बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरे रास्ते वो आरोप पत्र पढ़ता रहा। न्यूज डेस्क।